आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला और उसमें हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। तो लास्ट क्लासेस में हमने वी लुकअप में बताया था कि किस तरह से वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। हम बात करेंगे वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी डेटा पे शुरू करता हूँ, छोटे से डेटा पे। अब जैसे कि अगर आपके पास जो यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ से ढूंढना चाहते हैं, जैसे आईडी हम मान लीजिए यहां है, तो आप इस पे वी लुकअप का यूज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे आपका ये डेटा जो आईडी है ए आईडी स्विच हो गया है, जैसे हमने यहां से इसको कट किया और मान लीजिए मैं यहां पे डाल दिया। अब मुझे मान लीजिए वी लुकअप में इसमें 1104 का यहां पे हम देखते हैं वी लुकअप लगाएंगे, अगर वी लुकअप तो क्या होगा कि मैं कि ऐसे अगर लगाया तो एरर देगा, क्योंकि वी लुकअप कहता है कि मैं लेफ्ट से राइट ढूंढता हूं और जो कॉलर आप पहले सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, उसी में अपना लुकअप वैल्यू को मैच करेगा। तो जो 1104 है वो इसी स्कीम में मैच करें। तो आप इसमें क्वांटिटी, एमआरपी और सिटी को लुकअप कर सकते हैं, बट नेम एंड प्रोडक्ट को लुकअप नहीं कर सकते। वी लुकअप की ये प्रॉब्लम है, मतलब कि मुझे अगर नेम ढूंढना है तो खैर तो मुझे यहां पे इस कॉलम को यहां उठा के सबसे पहले मूव करना होगा। अगर मैं मूव नहीं कर सकता तो दिक्कत है। एक मिनट दीजिए सर। हेलो जी,
सॉरी सर, एक कॉल, एक स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो उसकी कुछ प्रॉब्लम थी तो पूछ लिया था, उसे बता दिया था सर मैं इंटरव्यू में हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है जो पिछले दो क्लासेस में आपको मैं बता रहा हूँ। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि यहाँ पे 1104 जो नंबर है उसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सर्च करता है, बताता है कि उसका रो नंबर क्या है। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि जब हम इसको पूरे में ढूंढते हैं, इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला तो क्या करता है कि इसमें से हमें बताना होता है कि आखिर कौन सा रो इस डेटा में से, कौन से रो का डेटा और कौन से कॉलम का डेटा चाहिए इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो मुझे 104 का, तो यहाँ पे मुझे पांचवें नंबर रो एंड पहले नंबर कॉलम का डेटा चाहिए। रो नंबर वन, नहीं, रो नंबर फाइव एंड कॉलम नंबर वन कर दिया तो डेटा मोहन आ गया। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं 105 करूं तो चेंज हो, तो यहाँ पे जो हमारा रो नंबर फाइव मैनुअली लिख रखा है इसको मैनुअली ना लिख के हम मैच के साथ अटैच कर दें, नहीं वी लुकअप की तरह हो जाएगा कि मैं 1107 लिखता हूं तो चेंज होगा, 1108 लिख दिया तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं यहां पे और जो मैच की जगह पे मैच का रेफरेंस था उस पर मैं लगा, तो यहां पे देखिए आपका T2 बिग गया। ठीक है, समझ आया सर? यस तो मैच और इंडेक्स को कंबाइन करके हम वी लुकअप की तरह बना सकते हैं, और वी लुकअप की जो प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट टू राइट करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे हो गई कि डेटा आपको हमेशा, आप पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत होगा, और इंडेक्स जो है आपका, जो इंडेक्स फॉर्मूला में डेटा अगर कॉलम या रो अपडेट होता है तो आपको अपना सोर्स को अपडेट करना है, डेटा रेंज को अपडेट करना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो इंडेक्स जैसा एक फॉर्मूला होता है ऑफसेट का, ऑफसेट में पूरा डेटा सिलेक्ट करना नहीं होता है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है। जैसे हमने A1 दे दिया, इज अ स्टार्ट ऑफ डेटा, फिर हमने रेफरेंसेस के अंदर में हमने रो नंबर, हमारा जो रो नंबर है तो रो नंबर हमारा क्या है, 9 है, और कॉलम नंबर 1, ऐसा लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफसेट की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। जो आप इंडेक्स में रो एंड कॉलम डालते हैं उसमें से एक काम यहां डालना है। ठीक है, रिजल्ट आपको आ जाएगा। अब इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें भी आप मैच को कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो आप इंडेक्स मैच या ऑफसेट मैच लगाएंगे। ऑफसेट मैच लगाने का फायदा है कि आपको डेटा को बार बार, डेटा रेंज को आपको इंक्रीज डिक्रीज करने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पूरा रेंज लेता ही नहीं है, वो सिर्फ लेता है स्टार्टिंग ऑफ द डेटा। तो मैच इंडेक्स एंड ऑफसेट मैच, इट इज क्लियर? हेलो, यस सर। अब हम बात करते हैं वी लुकअप से बात करके एच लुकअप की। अब एच लुकअप का यूज क्यों करेंगे चलिए बताते हैं। अब पेस्ट स्पेशल में किया, डेटा को ट्रांसपोज कर दिया। अब मेरे पास डेटा वर्टिकल नहीं है, मेरा जो आईडी है, यूनिक आईडी है, वो रो वाइज नहीं है, वो कॉलम वाइज है। VLOOKUP तो इसके लगेगा नहीं, क्योंकि VLOOKUP तो वर्टिकल लगता है, हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे कि मुझे अगर 1104 का डेटा चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, मान लीजिए क्वांटिटी चाहिए, तो मैं इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं एच लुकअप लगा, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू एंड टेबल। अब VLOOKUP हम ऐसा सिलेक्ट करते थे लेफ्ट टू राइट, कि एच लुकअप में हम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप करेंगे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप।
और हम बीलुकअप में रो नंबर डाल कॉलम नंबर डाल देते, इसमें रो नंबर डालेंगे, क्वांटिटी का चौथा नंबर रो है, हम यहाँ पे चार डाला और यहाँ पे कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच कर, रिजल्ट आपके सामने। और वीलुकअप में जो जो हम ट्रिक्स दिए थे वो ट्रिक्स यहाँ भी लगाए जा सकते हैं, रो वाइज नॉट ए कॉलम वाइज। क्लियर है सर? एच लुकअप रजनीकांत जी, विकास जी, एच लुकअप क्लियर है? जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है। पूछिए सर, एक बार फिर से समझाइए। एच लुकअप बता दूं आपको, हॉरिजॉन्टल चलता है। एच लुकअप हमने लगाया, लुकअप वैल्यू जैसे वी लुकअप लगाते हैं वैसे इसको भी लगाते हैं, बट उल्टा हो जाता है बस, टॉप टू बॉटम। एंड हमने यहाँ पे रो नंबर 4 दे दिया और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 दे दिया। एंटर मारिए, रिजल्ट आपके सामने। क्लियर है? लेकिन हम इसको जो है मैच इंडेक्स से भी कर सकते हैं या ऑफसेट मैच से भी कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे मैच लगाएंगे क्योंकि हमने बताया था कि मैच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, तो इस 1104 को यहां सर्च करके इसका कॉलम नंबर बता देगा कि कॉलम नंबर इज द 5। और फिर मैं इंडेक्स लगाता हूं तो इंडेक्स लगाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा, और इसमें रो नंबर तो पता है कि 4 है, हमने डाल दिया, एंड कॉलम नंबर हमें मैच बता दिया। या फिर मैं यहां पे ऑफसेट लगाऊंगा, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दूंगा और यहां पे रो नंबर 4-1 3 हो जाएगा एंड कॉलम 5-1 हो जाएगा, अलग हो गया। अब इसमें ऑफसेट को हम मैच को अगर हम ऑफसेट में या फिर मैं इंडेक्स में हम पेश कर दें तो हमारा, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपका जो ए है ऑफसेट और मैच या इंडेक्स और मैच का जो कंसेप्ट है वो वी लुकअप पे भी वर्क करता है और एच लुकअप पे भी वर्क करता है। तो ऑफसेट मैच इंडेक्स ऑफसेट मैच समझ में आ गया आपको? तो आज अभी आपने पहली चीज तो ये सीखी कि वी लुकअप की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम। दूसरी आपने सीखा कि उसकी सॉल्यूशन के लिए मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच कैसे इस्तेमाल करें, और तीसरा एच लुकअप क्या है, एच लुकअप के बारे में आपने सीखा, और एच लुकअप के अल्टरनेटिव हम मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बी लुकअप लगाते हैं या एच लुकअप लगाते हैं तो लास्ट में 0 क्यों देते हैं, तो चलिए यहां पे उसका भी सॉल्यूशन हम बताते हैं, साथ में हम लुकअप फॉर्मूला को भी पढ़ेंगे। हमने यहां पे कॉपी पेस्ट किया। अब यहां पे एक चीज देखिए, ये मेरे सेल्स है और याद होगा मैंने जब मैंने इस फॉर्मूला पढ़ाया था तो हमने आपको पढ़ाया था इंसेंटिव निकालना, ये हमारा इंसेंटिव है। अगर 0-40 हुआ तो मुझे यहां पे 500 देने हैं और इसमें 1000, 1500 एंड ग्रेटर देन 2500। तो यहां पे हम इसके लिए इफ लगाएंगे, हम इफ नहीं लगा सकते, हम डायरेक्ट वी लुकअप भी लगा सकते हैं अगर हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया सबका स्टार्टिंग पोजीशन, हम लिख देते हैं यहां तो हमें चाहिए, और यहां पे हम देते हैं वी लुकअप, यहां पे नहीं माफ कीजिएगा, ए उठा के फिर रख देता हूं मैं, और यहां पे हम देंगे इक्वल
वी लुकअप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसका हमें रिजल्ट शो करना है दूसरे कॉलम का दो, और यहाँ पे ट्रू दे देंगे, मतलब वन देंगे जीरो नहीं, या फॉल्स नहीं ट्रू देंगे। इसमें क्या होगा कि ये देखेगा कि जो 59 किसके बिटवीन है, तो इसने देखा कि इसके बिटवीन, तो इसने इसका रिजल्ट दे दिया। फिर देखेगा कि इसके बिटवीन है तो ए रिजल्ट दे देगा, ए वी लुकअप ट्रू कीजिए या फिर इसके अंदर वन कीजिए। जी आफिया जी समझ में आया? हेलो, एक बार फिर से समझाइए थोड़ा। देखिए जैसे कि हमने यहां पे वी लुकअप लगाया, हमने 83 लिया और हमने इसको सिलेक्ट, राइट और कॉमा टू और कॉमा यहां पे जीरो, मतलब कि फॉल्स ना लेके हमने ट्रू या वन ले लिया। तो अब क्या होगा कि वो 83 क्या करेगा, देखेगा कि 83 किसके बिटवीन में, तो इस देखेगा 0-41 के बीच में नहीं, 41-81 के बीच में नहीं, 81 and 101 के बीच में है, तो वो इसको पूरी बजे। ओके लेकिन वी लुकअप के लिए हमें डेटा यहां रखना पड़ेगा। एक वी लुकअप का है, इसमें एक और लुकअप का फॉर्मूला भी है जो कि इसी चीज के लिए यूज किया जाता है। लुकअप हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉमा हमने रिजल्ट को सिलेक्ट कर लिया आपके सामने। लुकअप में एक और बेनिफिट है कि आप इसमें खुद से फॉर्मूला दे सकते हैं, खुद सारी भी जो सर माफ कीजिएगा खुद से नहीं, ये पूरी इंफॉर्मेशन फॉर्मूले के अंदर ही एरे फॉर्मेट में डाल सकते हैं। 0, 41, 81, 101 और फिर हमने यहां पे रिजल्ट दे दिया 500, 1000, 1500 and 2500 और इसको हम क्लोज कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, रजनीकांत जी जी ठीक है। सर लुकअप में जो आपने लगाया है 0, 41, 81 ये सीक्वेंस में ही लगाना है, हम के आगे पीछे भी लगा सकते हैं? नहीं, ये सीक्वेंस में होना है, रिजल्ट का कोई दिक्कत नहीं है, जिस जिस सीक्वेंस में आपका ए रहेगा उसी सीक्वेंस में आपका रिजल्ट भी होना चाहिए, दोनों का सीक्वेंस है। ओके ठीक है, ठीक है। समझ आ गया सर? तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम वी लुकअप के कुछ चीजें आपको बताएंगे। ओके चलिए।